सर जी मैं की कर सकती हूं, तुहानू तो पता ही है ना मैं क्यानू भी टाइम से तैयार कर दिता सी, ओदा प्रोजेक्ट भी मैं रात नू ही बना के रेडी कर दिता सी, पर मैनू थोड़ा पता सी प्रोजेक्ट ने डिग के टूट जाना है ते मेरा काम डबल हो जाना है। दिया इत्थे गल प्रोजेक्ट टूटन दी नहीं है, तू हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम विच हमेशा फंसी रहंदी है, अगर यही हाल रहा ना तो प्रैक्टिस किद्दां करेंगी? सर जी मैं सब मैनेज कर लांगी, पर मैं ये सब इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि ये मम्मी जी दे दित्ते चैलेंज दा ही हिस्सा है ना, इसलिए मैनू किसी भी हाल च अपनी सारियां ड्यूटीज पूरी करनिया पैणगियां। नहीं दिया तेरे को ऑप्शन सी ना, बट ये ड्यूटियां तू खुद जानबूझ के चुनिया ने। सर जी मैं मम्मी जी नू मना करके होर नाराज नहीं करना चाहती सी, बस ऐसे लिए मैं। दिया तेनू पता है लोकी तेरे ते हसनगे कि तू एक स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियन होके घर बह के प्रोजेक्ट बना रही है, क्यों? क्योंकि वो अपने लॉस नू इंप्रेस करना चाहती है। सर जी पर मैं केड़ा हुण तक एक भी दिन की प्रैक्टिस मिस कीती है, जिस दिन असी कोर्ट विच नहीं भी जांदे ना उस दिन भी मैं ग्राउंड से जाके प्रैक्टिस कर ही लैनी हूं। दिया नेशनल लाइन ना सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग काफी नहीं है बल्कि बंदे नू मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, और जो तेरे हाल है ना तेनू वेख के लगता तू नेशनल च भी यही कहेंगी। एक मिनट रुको मैं घर दी दाल नू तड़का ला के आनी हूं। तेरी गल हुई बीजी ने होश आया कि नहीं? डॉक्टर ने कहा कि उन्हां दी तबीयत ठीक नहीं है तां करके उन्हां नू हॉस्पिटल विच ही रखना पाऊगा। वो तो ठीक है पर बीजी नू होया की है? मॉम हजे ना डॉक्टर टेस्ट कर रहे ने ते उन्हां ने हजे तक कुछ भी क्लियर नहीं दसिया, बस उन्हां ने इन्ना ही कहा कि वो आज रात बीजी दी हेल्थ नू मॉनिटर करनगे। स्वेता तो बीजी बिल्कुल ठीक सी, फिर अचानक इदां दा की हो गया कि वो बेहोशी हो गए ने? हाँ इत्थे भी ठीक ठाक सी, हुने तक इकट्ठे बैठ के चाह पीन दी गल कर रहे सी, फिर इक्को दम ही बेहोश हो गए। मम्मी जी किते बीजी अपने कोई दवाई खाना भूलता नहीं गए? नहीं वो तो अपनी दवाई लेनी कदी नहीं भूलते, सारियां दवाइयां टाइम सिर लेंदे ने। मॉम दिया ने अज सवेर दी दवाई देने लई ना सारियां दवाइयां कढ़ियां सी, पर लगता है शायद वो दोपहर वाली दवाई ना देना भूल गई है। नहीं भाभी मैं बीजी दी दोपहर दी दवाइयां भी उन्होंने साइड टेबल ते रख दित्तियां सी, ते मैं उन्होंने कहा सी कि वो रोटी खाने तो बाद वो सारियां दवाइयां खा लैन, ते मैनूं नहीं लगता बीजी ने कोई दवाई मिस कीती होनी है क्योंकि वो अपनी दवाइयां टाइम सिर ही लैंदे ने। पर दिया बीजी दी इस हालत दा कोई ना कोई रीजन ते होएगा ही ना, क्योंकि बीजी अज तक कदी इन्नी बीमार होई नहीं, फिर अचानक इदां दा की हो गया कि बीजी बेहोश ही हो गए? दिया तू बीजी नू सही दवाइयां दित्तियां सी या नहीं? हां जी मम्मी जी मैं अपने वालों बीजी नू बिल्कुल सही दवाइयां ही दित्तियां सी। दिया मैनू तेरी गल्लां सुन के इदां को लग रहा कि तू अनश्योर है, वैसे भी तू सवेर दी क्यान पिछे ओदे प्रोजेक्ट करके भज दौड़ कर रही है, किते ऐदा नहीं हो गया कि तू गलती ना बीजी नू कोई गलत दवाई दे दित्ती है? हेलो हेलो सर जी बीजी हूं किद्दा ने, उत्थे सब ठीक है ना? नहीं दिया डॉक्टर ने हजे तक कुछ दसिया नहीं। सर जी तुसी कार चो मतलब तुसी कार आ रहे हो? नहीं नहीं मैं कार नहीं, मैं हॉस्पिटल दे कोल एक मेडिकल स्टोर ते जा रहा हूं, उठो बीजी दी दवाइयां लेना है क्योंकि वो दवाइयां मेनू हॉस्पिटल दी फार्मेसी से नहीं मिलिया। ठीक है सर जी। अच्छा घर सब ठीक है ना? सर जी बस इतने सारे बीजी नू लेके परेशान हो रहे ने, बस एक बार बीजी घर आ जान फिर सब ठीक हो जाना। ओके अच्छा सर जी तुहानू की लगता है बीजी इसलिए बीमार हुए ने क्योंकि उन्होंने गलत दवाइयां खा लीतियां सी? दिया मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना, मैनू की पता बीजी नू की होया ते की नहीं, ऐ तो डॉक्टर ने दसेगा ना, पर तू एक गल दस तू मेरे तो इन्ने सवाल की पूछ रही है? हेलो दिया तेनू मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर जी मैं सुन रही हूँ, मैं तुहानू इसलिए पूछ रही सी क्योंकि मैनू बीजी दी बहुत फिकर हो रही है। दिया
मैनू पता है तू ऐदा क्यों पूछ रही है। बीजी का ख्याल रखन ते उन्होंने टाइम सिर दवाई देने की ड्यूटी तेरी सी ना, ते वो अचानक उन बीमार हो गए, इसलिए तू गिल्टी फील कर रही है। सर जी मैं तो मेरे बिना दसे ही मेरे दिल की गल पूछ ली। सर जी मेरे दिल च की चल रहा है कि तुहानू किद्दां पता लग गया? मैं तो तुहानू कुछ दसिया भी नहीं। दिया मेरी गल सुन, मैं जानता हूं बीजी नू लेके तू ते घर वाले सारे परेशान ने, पर तैनू इस करके अपने आप नू जिम्मेदार ठहराने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि मैं जानता बीजी तेरे करके नहीं बल्कि किसी होर रीजन करके बीमार हुए ने। ठीक है सर जी। चल दिया हुण मैं जानना तेरे नाल बाद गल करना। जी सर जी, बस तुसी मैनू बीजी की खबर देंदे रहना। हे माता रानी प्लीज बीजी नू छेती ठीक कर दो, मैनू उन्हां दी बहुत टेंशन हो रही है। अज तेरी वजह दे नाल बीजी दी ए हालत होई है, मैनू तेनू इन्नी वड्डी जिम्मेवारी देनी नहीं सी चाहिए। जिस तरह तू अपनी हर जिम्मेवारी जोर होके पूरी कीती है ना, ते इस जिम्मेवारी च भी कोई ना कोई गलती ते करनी ही सी। पर मैनू नहीं सी पता कि तू इन्नी वड्डी गलती करेंगी। दिया बीजी दी हेल्थ पहले इन्नी ज्यादा सेंसिटिव है, आज तेरी ये गलती करके बीजी दी ए हालत हुई है ते बीजी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए ने। नहीं समायरा, ये मेरी गलती सी कि मैं इस दे सिर ते इन्नी वड्डी जिम्मेवारी पाई। मॉम प्लीज, तुसी दिया पापी ते क्यों ब्लेम कर रहे? इवन डॉक्टर्स ने भी हजे क्लियर नहीं कीता कि एग्जैक्टली यही वजह है या कुछ होर। उन्हें तो बस एक अंदाजा लगा है कि ये सब गलत डोज करके हुआ है। एकम, ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जिस दिन तो दिया दी ड्यूटी शुरू हो रही है बीजी दे टेक केयर करने दी, उसी दिन बीजी दी ए हालत होनी सी। आज इतने साल हो गए ने मैं बीजी दी देखभाल कर दी आई नू, आज तक तो कभी बीजी दी ये हालत नहीं हुई। एकम तेनू एदी गलती नू कवर अप करन दी कोई लोड़ नहीं है। जब पहले समायरा इन्ना सारी चीजा ध्यान रखती सी उदो तो कदे ऐदा नहीं होया। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ नेगलीजेंस। आज पहली बार अंकल जी ने मैनू सबके सामने सपोर्ट किया। की हुआ जी, तुसे जल्दी आ गए? ओ हाँ, बस काम जल्दी खत्म हो गया, इस करके ऑफिस से जल्दी निकला। एक गिलास पानी दा मिलू? मैं लेके आनी है जीजा जी। ज्योति, जीजा जी बड़े परेशान जे लग रहे ने, और जल्दी भी आ गई, सब ठीक तो है ना? पता नहीं भाभी, देख दिया, रब करे सब ठीक हो गए। तुसी पानी दे के आओ, मैं तद तक चाह बना लेनी हूं। ठीक है। अरज ने तेनू इस घर च लिया के ना बहुत वड्डी गलती कीती है, पर मैं आज तेनू इस घर चो कढ के ना उसकी इस गलती नू हमेशा लई सुधार दांगी। वैसे भी मेरे दित्ते चैलेंज दे मुताबिक तेरा इस ड्यूटी नू सही ढंग नाल निभाना बहुत जरूरी सी, पर तू बीजी नू हॉस्पिटल पहुंचा के इस ड्यूटी नू पूरा करन च पूरी तरह फेल हो गई है। इस करके
तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। मम्मी जी मैं सच्ची कह रही हूँ, इस विच मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मेरी गल सुन लो, मैं सब जानबूझ के नहीं किया, मैं अपने वालों बीजी नु बिल्कुल सही दवाइयां दीतियां सी। तेनू कोई शर्म आया है या नहीं? इन्नी वड्डी गलती करन तो बाद ते अपनी अखां नाल सारे सबूत देखन तो बाद भी तू ये कह रही है कि तू कोई गलती नहीं कीती? हुण कि तू बीजी दी जान लेके मन्नेगी? तेरे तो गलती हुई है, तो गलती हुई है। समायरा तू इहदा बैग पैक कर। मामे तुसी की कर रहे हो? उधर बीजी हॉस्पिटल च पए ने ते घर च एड्डी वड्डी प्रॉब्लम होई हुई है ते ओनू ठीक करन दी बजाए तुसी दिया भाभी नू घरों जाण लई कह रहे हो? ओ वड्डे ब्रो दी वाइफ ने, तुसी इदा किदां कर सकदे हो? ते ओने की कीता है काम? तू देखिया नहीं ओंदी इस वजह दे नाल बीजी हॉस्पिटल च पई हुई है। नाले तू ए ना भुल, ए चैलेंज इन्हें आप एक्सेप्ट कीता सी और ओ भी अपनी मर्जी दे नाल, मर्जी दे नाल। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। मम्मी जी जे तुहानू लगता है कि मैं गलत हाँ तो मैं इस घर नू आपे छड़ के चली जावांगी। पर उस तो पहला मेरी एक रिक्वेस्ट है। की रिक्वेस्ट? आई होप घर सारे बीजी दी टेंशन ना ले रहे हो। मैं काम करदा, दिया नू फोन करके पूछदा। कारण पूछा तो मैं उन्होंने जवाब भी नहीं दे सकांगी। इसलिए मैं उन्होंने फोन चुकने रह नहीं देनी। आखिर दिया फोन क्यों नहीं चक रही? एनू होया की है? हे माता रानी प्लीज बीजी नू जल्द तो जल्द ठीक कर दो। जे बीजी ठीक हो गए ना तो मैं कुछ भी करने लिए तैयार हाँ। तुसी मेरा सब कुछ ले लो पर प्लीज बीजी नू ठीक कर दो। हे माता रानी ये गलती मेरे तो हुई है ना तो तुसी सजा भी मैनू ही दो। एक बीजी सी जिन्हां ने मेरे ग्रह प्रवेश तो लेके हुण तक मेरा हर मुसीबत विच इन्ना साथ दिता है। इत्थे तक कि इस घर विच सब तो ज्यादा प्यार मैनू बीजी तो ही मिलिया है। उन्होंने बिना किसी की परवाह किते हर वार अगे वध के मेरा हाथ फड़िया है। उन्होंने कभी भी मैनू मम्मी की कमी नहीं महसूस होने दिती। हुण जे मेरे करके अज बीजी नू कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप नू कदी भी माफ नहीं कर सकांगी। हे माता रानी तुहानू बीजी नू ठीक करना ही पएगा, तुहानू मेरी अरदास सुननी पएगी। तुसी तां जानदे हो ना हुण तां मैं इस घर तो जान तक लई रेडी हो गई हाँ। हुण तुसी मेरी और किन्नी परीक्षा लोगे? प्लीज माता रानी प्लीज बीजी नू छेती ठीक कर दो प्लीज।
तू अपने नाल ऐसी फोटो क्यों लेके जा रही है? ये तेरी जरूरी चीज सी? मम्मी जी, जिन्ना मेरे लिए रैकेट इंपॉर्टेंट है ना, उदा ही मेरे लिए मेरे बैडमिंटन के कोच भी इंपॉर्टेंट ने। मैं उन्होंने तो अपने नाल नहीं लेके जा सकती, पर मैं उन्होंने फोटो तो लेके जा सकती हूँ ना। दिया भाभी, तुसी ना जाओ। जे वड्डे ब्रो नूं पता लग गया ना कि उन्हां तो तुसी बिना पुछे बाहर जा रहे हो, ते ओह तुहाडे ते बहुत ज्यादा गुस्सा करनगे। नहीं एकमवीर जी, तुसी प्लीज सर जी नूं हॉस्पिटल तो आने तो पहला इस बारे कुछ ना दसना। वो ऑलरेडी परेशान ने, होर परेशान हो जाएंगे। मॉम प्लीज, तुहानूं इन्हां नूं नहीं जाण देना चाहिए। मम्मी जी, मैं चल दिया। समायरा भाभी, ईरा भाभी, जे मेरे ते कोई गलती हुई हुवे ना तो प्लीज मैनु माफ कर देना। से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए। मॉम बीजी ठीक नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि बीजी लिए आज दी रात खतरा है। डॉक्टर ने कहा है कि बीजी की हालत इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने गलत दवाइयां दे दी थी गई है। समायरा तू इन्हें बैग पैक कर, बीजी नो हॉस्पिटल पहुंचा के इस ड्यूटी नो पूरा करन पूरी तरह फेल हो गई है। इस करके तेरी इस घर कोई जगह नहीं। मैनू कदे नहीं लग गया सी इस घर दे नाल मैं इतना ज्यादा जुड़ जावांगी कि अज मम्मी दे कोल जाने हुए भी मैनू इतना बुरा लगेगा। असल च बार बार फोन करते चंगे नहीं लगते, इसलिए फोन भी नहीं किया। हाँ जी, वो तो ठीक है। वैसे मेरी तो दिया नाल मैसेज से गल हो जाती सी। मैं कल रात उन्होंने मैसेज किया सी पर उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं किया। कि वो अपने घर होली दे फंक्शन च इन्ना बिजी हो गई कि उन्हें एक मैसेज का रिवर्ट करने का भी टाइम नहीं मिलिया। वह हूँ व्याई गई है ते सोरे घर च 100 काम होंगे ने, तेरे वर्गी वेली नहीं हैगी। एडा बड़ा घर आ कि सफाई करने च भी 2 दिन लग जाते ने। वैसे दिया दिन लोज दी फैमिली भी तो काफी वड्डी है, उन्होंने तो होली खेडन च किन्ना मजा आंदा होना है। मैं तो यही सोच रही सी जे दिया नाल मेरी गल हो जाती ना तो मैं उस तो उसते होली दे प्लान्स पूछती। होली दा तो पता नहीं, मैं तो बस यही सोच रही हाँ दिया ठीक होवे सही, मेरा उन्होंने मिलन का बहुत मन कर रहा है। लो जी दिया आ गई। दिया तू अचानक इत्थे, तू ते सानू सरप्राइज ही दे दिता। दिया मैनू तेरी ना बड़ी फिक्र हो रही सी, मैं कई बारी सोचा तेनू कॉल लावा पर ना मैं हर बार रुक जांदी सी। जे मैं अज रब तो कुछ होर भी मांगदी ना तो मैनू वह भी मिल जाना सी। किथे मैं तेनू इन्ना मिस कर रही सी ते तू मैनू मिलन लई आ गई।
मायरा तू इन्हें बैग पैक कर, बीजी नू हॉस्पिटल पहुंचा के इस ड्यूटी नू पूरा करन च पूरी तरह फेल हो गई है। इस करके तेरी इस घर च कोई जगह नहीं। पुत्र की होया, तू रो क्यों रही है? दिया कुछ तो बोल। बस मम्मी थोड़ी गल्ला सुन के थोड़ी जी इमोशनल हो गई सी। मैं भी तुहानू कल दी बहुत मिस कर रही हूं। वैसे एक गल सच्ची है, दिल नू दिल दी राह हुंदी है। मैं जिन्ना तुहानू सब नू मिस कर रही सी ना, मैं इत्थे आके देखिया तुसी सारे भी मैनू उन्ना ही मिस कर रहे सी। दिया पुत्र तू रो ना, अज मैं ना सारियां तेरे पसंद दियां चीजां बनाऊंगी। ठीक है चल दिया, असी बहुत सारियां गल्लां करनियां ने। दिया तू अपना सामान क्यों लेके आई है नाल? क्या होना है कि माधवी ओनू अपने आप नू चंगी नो साबित होने का मौका देगी, पर तेरी मम्मी जी नू तो समझ होनी चाहिए है ना। ते नाले दिया ने कुछ किया ते ने मान भी लिया। क्यों माधवी, आज तक जो भी दिया ने किया तू दी हर गल मान लेनी है? मैनू समझ नहीं आ रही तुसी सारे जने इस गल वास्ते मैनू क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो। मैं दिया नू घर छड़ के जाण वास्ते नहीं सी किया, उन्हें किया सी कि ओह सवेरे घर छड़ के चली जाएगी, पर देखो जांदे जांदे नोट सानू दोषी बना के साडे सिर ते स्यापा पा। नहीं मॉम, दिया किसी उते दोष लाके नहीं गई। ओते साफ साफ लिख के गई है कि तुहाडी ड्यूटीज पूरी ना करन करके घर छड़ के जा रही है, ते तुसी कुछ भी ना अज्यूम ना करो। अच्छा ते जे उन्हें किसी ते दोष नहीं लाया ते तुसी सारे जने मेरी जान दे पिछे हाथ धोके क्यों पै गए हो? नाले जे तेनू उंदी इन्नी फिकर है ना ते तू उन्हूं आप फोन करके पूछ ले कि ओह घर छड़ के क्यों गई है। हाँ नाले तेरे ते अरे जीजू दी लव स्टोरी अगे वधी या नहीं? डिंपल मैं तेनू कहा सी ना साढ़े दोवां विच ऐदां दा कुछ भी नहीं है। असीं दोवें इस गल नूं लैके क्लियर आ कि साडा रिश्ता सिर्फ स्टूडेंट ते कोच वाला है, उस तों ज्यादा कुछ भी नहीं। ओ गॉड दिया, मतलब तेरी गड्डी हजे भी उस स्टेशन ते खड़ी है? हुण तां अगे वध जा, मन्या तेरे कोच ने ते तू उनां दी स्टूडेंट, पर रहंदे तां तुसीं इक्की घर च ना नाल इक्की कमरे च। ते अरज जीजू तां इन्ने हैंडसम ने तैनू कदे कुछ फील नहीं होया? या अरज जीजू ने तैनू कदे सोनी ड्रेस देख के कदे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया? क्योंकि देख मैं तो इस गल नूं कदे मान नहीं सकती कि ऐदां दा कुछ होया ना होवे। दिया असीं इह सब नहीं जाणी किता, नाले मैनूं तेरे तों ऐदां दी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, ते ना ही तू साडा रिश्ता सिर्फ बैडमिंटन करके, ताकि मैं तेरा नेशनल चैंपियन बनने में सपना पूरा कर सका, पूरा कर सका। एंड नथिंग एंड नथिंग। सर जी मैं स्पेशली तुहाडे लई बनाया मूंग दाल का हलवा, एक चम्मच खा के तो देखो तुसी अपनी सारी डाइट भूल जानी है। स्टॉप इट डिया। डिंपल तू चाहे कुछ भी बोल, पर साढ़े दोवां विच सच्ची ऐदां दा कुछ भी नहीं है। रहन दे दिया, मैनू तो लगता है तू ही डफर है। जे अरे जीजू तेनू नोटिस भी करदे हुण ना, तू तो इन्नी अनरोमेंटिक है कि तू तो कदे ध्यान ही नहीं दिता होना। हुण बंदा कदों तक कंध च सिर मारदा रहेगा? अच्छा चल ये दस, तेरा एकदम आन दा प्लान किदां बन गया? ते तू मेरे मैसेज दा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही सी? डॉक्टर ने कहा है कि बीजी की हालत इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने गलत दवाइयां दे दी गई है। इस ड्यूटी नु पूरा करन च पूरी तरह फेल हो गई है, इस करके तेरी इस घर च कोई जगह नहीं। की गल है दिया, केड़ी सोच च पै गई? दिया मेरी वाइफ है और इस घर की नूह है, पर फिर भी मॉम की इज्जत करके ना
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ ਬ੍ਰੋ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦਿਆ ਦੀ ਹੈ? ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰੀ ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਦਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰਾ, ਬੀਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਦਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਆ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮਤਲਬ ਬੀਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਤੇ ਦਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿਆ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਿਕਅਪ ਦਿਆ, ਪਿਕਅਪ ਮਾਈ ਕਾਲ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਡੈਮ, ਦਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਭਾਂਗਾ? ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ? ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਓ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਹਟੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਹਾਏ, ਬੋਤਲ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਥੱਪੜੀ ਮਾਰੋ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾੜੋਗੇ।
हे माता रानी प्लीज मेरी मदद करो। मेरा फोन ले। कोई अर्ज सर कॉल कर रहा है। दियो मेरा फोन। हेलो ऐदा किदा दे दिए पहला सानू मारो ता सही। आखिर दिया है किथे? फिर तो इस हिसाब नाल मेनू भी घर छड़ के चले जाना चाहिए। बीजी तुसी इत्थे क्यों आ गए? थानू तो आराम दी लोड़ है। मेरे इत्थे घर दे टोटे टोटे हो रहे ने ते मैं अंदर जाके आराम करा। बीजी दिया ने गलती कीती सी ते उनू सजा ते मिलनी सी ना। गलती दिया दी नहीं है, गलती मेरी है। दिया ने सारिया दवाइया ठीक रखिया सी पर मेरे को गड़बड़ हो गई ते मैं गलत दवाइया ले बैठी। बीजी तुसी की कह रहे हो? दिया दी गलती दा दोष तुसी अपने उते क्यों ले रहे हो? मैं ब्लेम नहीं ले रही है, मैं तो यही कह रही हूँ कि दिया तो चंगी तरह मेरी दवाइयों का ध्यान रख रही सी पर मेरे को ही गलती हो गई, मैं गलत गोली खा बैठी। पिछली बार तो सर जी ने बचा लिया थी पर हुन की करा? हुन तो सर जी कोल नहीं ने। सर जी को नहीं ने तो की होया? इस बार दिया तेनू आप ही लड़ना पैना जिदा सर जी लड़े सी। ओ फड़ा इनू। तेरी इन्नी हिम्मत, तेनू की लगता तू साडा सारिया का मुकाबला कर लेगी? मुकाबला नहीं, मैं तोड़ी बैंड बजा दूंगी। तुहानू की लगे सी जो तोड़े मन चाहेगा तुसी वो कर लोगे? एक बार मेरे मैच तो पहले ना गुंडे नू ऐसा लग गया सी क्यों मैंने रोक लैन गे, ते एक बार मेरे मंगेतर रणदीप नू भी लग गया सी क्यों मेरा हाथ फड़ लेगा। तुसी जानते नहीं हो मैं कोई कमजोर कुड़ी नहीं हूँ, मैं तुहाडी बदतमीजी का जवाब ना चंगी तरह देना जानती हूँ। ठीक है बीजी असि मान लें पर दिया ने तो अपनी मुंहों ये गल एडमिट की थी ना कि उन्हें थोड़े लिए दो गोलियां कट के टेबल से रखिया सी, फिर तुसी केड़े वेले गलत दवाई खा ली? दिया ने भावे दो दवाइया बाहर कट के रखिया सी पर मैं गलती नाल दो बारी दवाइयां कट के खा बैठी। बीजी तुसी दिया नू इन्ना ज्यादा प्यार कर दे हो कि तुसी उसकी गलती ते पर्दा पाने की कोशिश कर रहे हो। समायरा तू मेरी गलती यकीन क्यों नहीं कर रही? बीजी ता दिया नू ना कर लियों दे पिछे ही पै गए ने, जबकि ये पहले ही डिसाइड हो गया सी ना कि अगर दिया चैलेंज हार जाऊगी तो आपे ये घर नू छड़ के चली जाऊगी। इरा तू देखिया ना इन्नी वड्डी गलती करने तो बावजूद भी सारे नु किदा सपोर्ट करन लगे होए ने। बट तुहानू इन्ना फर्क क्यों पै रहा? दिया तो इत्थों चली गई है ना, ते हुन जो जो बोल रहे है बोली जान दो। अंगद ब्रो वो गल्ला नहीं कर रहे, बीजी ने ना जिद फड़ी हुई है कि वो दिया नु घर वापस लिया के ही छड़नगे। व्हाट? हां जी अंगद जी थोड़े आने तो पहले यही डिस्कशन हो रही सी कि बीजी आराम करन दी बजाय ना दिया नु कार लेके आंदी जिद फड़ी बैठे ने। पहली बार लाइफ च मॉम ने अरज ब्रो दे अगेंस्ट स्टैंड लिया सी ते हुन हुन बीजी सब कुछ खराब करन ते लगे होए ने। बस करो, इस कुड़ी दा नाम सुन सुन के ना मेरा सिर दुखन लग गया। मैं दिया नु इस घर च वापस नहीं आंदे सकदा। सच्ची दिया तू बहुत लकी है कि तेनु अरज जीजा वर्गे हस्बैंड मिले ने, क्योंकि देखो अपनी फैमिली नू छड़ के तेरे नाल होली सेलिब्रेट करने लिए इत्थे आए ने, ते तैनू इत्थे इसलिए लेके आए ने क्योंकि तू सानू सारे नू मिस कर रही सी।
सच्ची दिया अजकल जमाने ऐसा मुंडे कितने मिलते ने। तू सड़क पर रहना और मैं भी तेरे सड़क पर रहूंगा। मैं तो समझ नहीं आती कि तू गल क्यों नहीं मानती कि थोड़े दोवां दे दिलां विच इक दूजे लई बहुत प्यार है। डिंपल मैं तैनूं कहा ना ऐदा दी कोई गल नहीं है। दिया जे तेरी जगह मैं हुंदी ना जे मेरे को चने हैंडसम हुंदे तो मैं तो अपनी सड़ियल मां नूं छड़ के ना उहदे नाल भज जाणा सी। खैर हुण मैनूं अपना कमरा तुहानूं दोवां नूं देना पएगा। मेरा रूम भी मैनूं कल्ली नूं देख के बोर हो गया सी। मैं कल्ली जो हाँ डिंपल तू रुक तैनूं मैं दसदी हां। डोंट वरी मैं मम्मी नाल सो रही हां ते कमरा हुन तुहाडे हवाले है ना दिया। वैसे काफी रात हो गई है हुन तुसी सो जाओ। गुड नाइट। पागल है तू। थैंक्स डिंपल साडे करके तैनू अपना रूम सैक्रीफाइस करना पै रहा है। लै जीजू जी तुसी इस दुनिया दे सबते हैंडसम जीजू हो हुन मैं तुहाडे लिए इन्ना तां कर ही सकदी हां ना। क्यों दिया। हाँ जी मॉम। अरज बेटा तू किथे है असी सारे तेरी वेट कर रहे सी। मॉम मैं दिया दे कर रहा। अरज पुत्र दिया ठीक है ना। ओदे माँ प्यो भी की सोचते होने ने कि वो अचानक उत्थे किद्दां चली गई। बीजी दिया बिल्कुल ठीक है ते ओदे मॉम डैड नूं तां इस बारे कुछ पता भी ओ तां ऐ सोच रहे ने कि दिया उन्होंने मिस कर रही हुई ऐसी करके असि इत्थे आ गए। चलो ये तो बहुत चंगी गल है। हुण उन्हां नूं दस के परेशान थोड़े ना करना सी क्योंकि गलती तो साडे घर दे मैंबरां दी है ना। अरज तू कदों तक आ रिया घर बेटा। मॉम मैं अज नहीं आवांगा। मैं अज नहीं आवांगा। मैं इत्थे रुकांगा। मैं इत्थे रुकांगा। अरज पुत्र तू इत्थे रुक मैनूं कोई दिक्कत नहीं है पर कल होली दा त्योहार है ना ते तुसी दोनों भी इत्थे आ जांदे ते दिया नूं कह कि सब कुछ भूल के वापस आ जाए। मैनूं मेरी नूं वापस चाहिदी है। बीजी तुहाडी नूं ने फैसला कीता कि वो घर नहीं आएगी क्योंकि वो तुहाडा चंगी तरह ख्याल नहीं रख सकी। पर इस च तो ओहदी कोई गलती नहीं है ना। वो भी श्योर है कि उहने गलती नहीं कीती पर घरदिआं नूं तां इह लगदा ना कि वो गलत है। मॉम दे चैलेंज दे हिसाब नाल ओ कर नहीं आ सकती। अरज पुत्र ओ दिया नूं बोल कि जो कुछ होया वो भुल जाए ते घर वापस आए। इस तरह त्योहार वाले दिन घरों बाहर बच्चे रहन चंगा नहीं लगता पुत्र। डैड जो कुछ भी है बट फैक्ट तो यही है ना कि बीजी गलत दवाई खाने नाल बीमार हुई सी जो कि दिया ने उन्होंने नहीं दी सी ते जब तक यह साफ साफ पता नहीं चलता ना कि एक्चुअली होया की सी तद तक मैं ते दिया इत्थे रहा। पर होली दा की व्याह तो बाद ये तुहाडी दोनों दी पहली होली है। बीजी मैं इस बार होली अपने इन-लॉस नाल सेलिब्रेट करांगा ते जे दिया दे इन-लॉस चांदे ने तां ओह भी साडे नाल सेलिब्रेट कर सकदे। ठीक है पुत्र तां असीं भी होली ते उत्थे ही आ जांदे आ। ठीक है बीजी मैं दिया दे मॉम डैड नूं इनफॉर्म करदा ते आई एम श्योर उहनां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है पुत्र अपना ध्यान रखी ते दिया नू मेरे वालों प्यार दे ते ओनू कही कि ओदी कोई गलती नहीं है। ठीक है बीजी चंगा। सर जी तुसे ऐदा क्यों कहा कि तुसे इत्थे रहोगे तुहानू पता है वो सारे अपसेट हो जाएंगे। दो महीने रात नू की गल्ला कर रहे ने। मैनू लगता जरूर है पक्का कुछ लुको रहे ने नहीं तो फिर मुड़ के वापस ना आंदे। ते ओदे नाल नाल तेरा पुत्र भी घरों बाहर चला गया। घर चल के रहा है पहले दिया घर छड़ के चली गई फिर अरज ने भी उत्थे रहने का फैसला कर लिता। सब तेरी गलती है माधवी
तेनू दिया नू करो बार जान नहीं देना चाहिदा सी। हर चीज ना बस मेरी गलती कर दिया करो। बीजी तुहानू ए नहीं नजर आ रहा कि तुहाडी पोत नू किन्नी चलाक है। वो ना सिर्फ आप घर छड़ के गई है बल्कि उन्हें अरज नू भी उत्थे रोक लिता है ते उन्हें अरज नू राजी कर लिता उत्थे रहन वास्ते। बस कर माधवी, इसी दिया दी कोई गलती नहीं है। ए सब ड्रामा तू शुरू किया है दिया नू घर बाहर कढ़ के। माधवी तेरी एडी वड्डी गलती करके तेनू निक्की जी गल समझ नहीं आ रही। ए सब करके इच तेरा ही नुकसान हो रहा है, होर किसी दा नहीं। किथे सर जी अपने घर आराम नाल सौंदे सी ते किथे उन्हां नूं साडे घर इन्हां हालातां विच सौना पै रहा है। दरवाजे ते जो कोई भी है उन्हां नूं मैं ए नहीं दिखा सकती कि सर जी ते मैं वक वक सौंदे ने, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जानी है। सर जी उठो, सर जी, सर जी उठो, सर जी। दिया, ये की कर रही है? सर जी, मैं तो उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरे उत्ते डिग के बस यह केड़ा तरीका उठान दा। सर जी मैं तो उठा ही रही सी पर तुसी मैनू अपने वाल खींच लिया। सर जी कोई डोर नॉक कर रहा है, प्लीज तुसी छेती उठ जाओ। जे किसी ने तुहानू चटाई ते सोंदे देख लेना तो बहुत प्रॉब्लम हो जानी है। प्लीज तुसी फटाफट उठो ते बैठ ते सो जाओ। दिया, ए मेरे कपड़े इत्थे क्यों आए? सर जी कल जो तुसी इत्थे रुकन बारे कहा सी ना, मैनू लग्या सी तुहानू कपड़ियां दी लोड़ पैनी है, इसलिए मैं जग्गी जी नू फोन करके पहले ही तुहाडे कपड़े मंगा ले सी। हुण जदों तुसी नारे सी ना बस उदों ही तुहाडा बैग दे के गए सी। थैंक्स दिया। सर जी तुसी मैनू थैंक्स क्यों कह रहे हो? दिया तू मेरे बारे ना सोचिया ओदे लई थैंक्स। वेलकम सर जी। सर जी ने प्यार नाल गल क्यों कर रहे ने? किते मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जी तुसी ता जानते हो खरज के परिवार वाले होली मनाने लई इत्थे आ रहे ने, इसलिए सानू होली दा फंक्शन ना चंगी तरह सैलीब्रेट करना पाएगा। पर इन्ने घट टाइम विच असी सब किद्दां करांगे ते उत्तों उन्हां दे आउण ते जिहड़ा खर्चा होएगा ओह असी किद्दां मैनेज करांगे? उत्तों दिया दे सहुरे होर भी गुस्से च होणगे क्योंकि इस बार उन्हां नूं होली दा फंक्शन साडे नाल सैलीब्रेट करना पै रहा है क्योंकि ओह किहड़ा सानू पसंद करदे ने। मम्मी जी जो नेकलेस उसे दिया ने बनवाया सी वो लॉकर विच नहीं है। दिया दी माँ मिसेस फुलर नू उपरों आंदे देखिया सी। सुधीर जी नू नेकलेस वाली गल बारे कुछ भी पता नहीं है, किते दिया दे सौरियां दी ऑन करके इन्हां नू कुछ पता ना लग जाए। ज्योति इस बार असीं छोटा फंक्शन नहीं कर सकते, सानू कुछ भी करके इस होली दे फंक्शन ते कुछ इदां दा करना पवेगा जो रंधावास दे स्टैंडर्ड नू मैच करदा होवे। जी मैनू नहीं लगदा सानू साडी चादर तो बाहर पैर पसारना चाहीदा क्योंकि जिस तरह दे हालात ने ना मैनू नहीं लगदा सी उहनां दा मुकाबला कर सकदे आ, इसलिए जिन्नी साडी औकात है ना सानू उन्ना ही सोचना चाहीदा। ठीक है पर उहदे लई तैयारियां तां करनियां पैणगियां, अरज दी फैमिली थोड़ी देर च आ ही रही होणी आ। बीजी जो तुसी ठीक ही नहीं हो फिर तुसी दिया दे घर जाके की लेना है? नाले तुसी हुणे ही ता हॉस्पिटल तो ठीक होके आए हो ना,
फिर तुहाडे लई इन्नी एग्जर्शन लेना ना ठीक गल नहीं है। ईरा मैं दिया ते अर्ज तो बिना होली सेलिब्रेट नहीं करा। सेलिब्रेट नहीं करा। बीजे तुसी किद्दां दी जिद कर रहे हो, थोनू सब कुछ हट के अपनी सेहत वाल ध्यान देना चाहिए। सुमैरा ए दिया ते अर्ज दे ब्याह तो बाद उना दी पहली होली है ते इसलिए मैं ए होली मिस नहीं कर सकती। अच्छा पर उना दोवां नू भी तो इस बारे सोचना चाहिए सी। उना नू तो कोई फर्क नहीं पिया। हुण इस गल ते बहस बंद करो। जे बीजी जाना चाहते ने तो जान दिओ उना नू। इनफैक्ट मैं भी बीजी दे नाल जा रहा। एक मिनट बाद भी जे तैनू लगता है कि तू सानू जान तो रोक पाएंगे ये तेरी बड़ी वड्डी भुल है। सानू जान दे ते इस गल ते इत्थे मिट्टी पा। कुलदीप जी मैं तुहानू जान तो नहीं रोक रही, मैं तो तुहानू इस वास्ते रोकया। सच माधवी तू साडे नाल जाना चाहनी है? बीजी जे तुसी अपनी पोत्र नू लैन जा रहे हो ते तुहानू नहीं लगदा कि उसकी सस नू भी नाल चलना चाहिए? बिल्कुल पुत्र, सगो मैनू तो खुशी होएगी कि तू भी नाल चलेगी। ओके सो सिर्फ वड्डे ब्रो ते उनां दी वाइफ नाल होली सेलिब्रेट करन दे चक्कर च तुसी सारे बाकी फैमिली नू एदां ही छड्ड के जा रहे हो? नहीं बेटा, सिर्फ असी थोड़े ना जा रहे हां, तुसी भी तो साडे नाल जा रहे हो। दोनों बाल्टियां क्यों चुक रहे हो? एक मेनू दो ना। नहीं दिया, इट्स ओके। सर जी वैसे भी ना मैं दो दिन तो कोई वर्कआउट नहीं किया, इसी बहाने मेरा वर्कआउट हो जाएगा। चलो फड़ाओ दो। सॉरी सर जी, तुसी जदों दे मेरे घर आए हो तुसी एक मिनट भी कंफर्टेबल फील नहीं किया। तुहानू मेरे घर के जमीन ते सोना पै रहा है ते कदे तुसी मेरे लिए ये बाल्टियां भर रहे हो। तुहानू एदा दी लाइफ दी तां आदत नहीं होएगी ना, फिर तुसी ये सब किद्दां मैनेज कर रहे हो? दिया तैनू की लगता है मैं हमेशा आराम किया? नहीं, जदों मैं छोटा सी ना उदों मेरे डैड बिजनेस सेट कर रहे सी ते असीं तीनों भरा इक्को रूम शेयर करदे सी। मैं कदे एक कम ते अंगद दूना जमीन ते नहीं सुन दिता। सच्ची सर जी? चलो ये भी मैं मान लिया, पर तुसी कदे अपने घर पानी दियां बाल्टियां तो नहीं भरियां होनियां ना? दिया ठंडी जब सदा गीजर खराब हुंदा सी ना ते मॉम गैस च पानी गर्म करदे सी, मैं उस वेले बड़ी बाल्टियां भरियां ने। सर जी तुसी अपनी फैमिली नू बहुत प्यार करते हो ना। दिया पानी भर गया है, दूजी बाल्टी ला। ओ सॉरी सर जी, तुहानू मेरे करके अपना घर छड़ना पिया, पर डोंट वरी मैं भी आज तुहानू घर वापस भेज के रवांगी।
जी जेड़े पैसे तुसी मैनू घर दे खर्चियां लई दिंदे सी ना, बस ओहदे चो ही मैं थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे सी, ओहदे चो ही सारा समान लेके आई हां। ज्योति मैनू झूठ ना बोल, साफ साफ दस पैसे आए कित्थों? मम्मी मम्मी किथे हो तुसी? पता नहीं मम्मी किथे चले गए, हुण इस मंगलसूत्र दे हुक्म किधर तो लगवावां। मैनू लगदा मम्मी अपने रूम विच तैयार हो रहे होने ने, उत्थे जाके लगवा के आनी आ। जी मैं तुहानू कह तां रही हां कि मैं थोड़ी बहुत सेविंग कीती सी, बस ओहदे चो ही सारा समान आया, तुसी तां एवें ना बार बार पुछ रहे हो मैनू। ज्योति तू मेरे तो लुको, ज्योति तेरी रिंग कित्थे है? दस रिंग दा की कीता? ज्योति तू रिंग बेच दी, तू रिंग बेच दी थी? नहीं नहीं जी ओ रिंग मैं बेची थोड़ी आ, ओ तो मैं बस गहने रख के आई हां। दिया तू इत्थे की कर रही है? कुछ नहीं सर जी, मम्मी कोलो मंगलसूत्र दी हुक लगवाना आई सी, मेरे तो लग ही नहीं रही सी ऐसे ले। तू एक काम कर, तू घूम जा, मैं तेरी हेल्प कर देना। लिया फड़ा मंगलसूत्र। मेरे हिसाब नाल सानू एक गल्लां ते नहीं त्योहार ते फोकस करना चाहिदा। ओही तां मैं कह रही हां, असीं इत्थे सिर्फ होलिका दहन लई नहीं बल्कि अपने घर दी नूं नूं वापस लेके जाण लई भी आए हां, इस लई सानू इन्हां दोवां ते फोकस करना चाहिदा। मॉम दिया रंधावा हाउस वापस नहीं जाएगी, वापस नहीं जाएगी। क्यों हरज पुत्र? क्योंकि मैं चाहता दिया उस घर इज्जत नाल वापस जावे। ते जदों तक यह नहीं पता चलता कि बीजी दे अस्पताल जाने पिछे दिया दी कोई गलती नहीं सी, तद तक दिया इत्थे रहेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुसी दिया नू किसी मजबूरी च वापस लेके जाओ, ते कर दे सारे लोग बीजी दी सेहत लई ओनू दोष देन। इसलिए पहले मैं दिया नू बेकसूर साबित करांगा, ते उदो बाद ही मैं दिया नू घर वापस लेके जाऊंगा। फंक्शन च अपने आप नू रंधावा दी वड्डी नू दे तौर ते साबित करन दी है, ते ओथे तेनू अपना सुभा
अपना मैनरिज्म ते अपने एटिकेट्स बिल्कुल रंधावा वांग रखने पैणगे। उन्हां सब दा स्वागत भी साडे वांगू करना पड़ेगा ते फंक्शन खत्म होने तक उन्हां दी हर जरूरत दा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉम, अज तो बाद दिया तोड़े चैलेंज दिया कोई भी ड्यूटी पूरी नहीं करेगी, ड्यूटी पूरी नहीं करेगी। दिया रंधावा खानदान की नूह है तो उन्हें कुछ भी साबित करने की कोई लोड़ नहीं है। ठीक है अरज, मेरी ड्यूटी सी अनाउंस करना, सो मैं कर देता। अगे हुन दिया दी मर्जी है कि वो ये ड्यूटीज पूरी करना चाहती है या नहीं, पर हाँ दिया कल मेहमाना दी आन तो पहला कार होनी चाहिए है। ते ए टाइम तू कितना मैनेज करना है तू आप देख। मॉम यू डोंट वरी, गेस्ट आन तो पहले पहले दिया कर वापस आ जाएगी। ते उस तो पहले मैं असली कसूरवार नू तोड़े सब दे सामने कर, सब दे सामने कर। ठीक है आरज, जिवें तेरी मर्जी, ए राती आए या सवेरे मेनू इस चीज नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, पर हाँ इंदी असली जगह उत्थे है साडे सब दे नाल। ते जे ए कल होली फंक्शन च ना आई ते बड़ी खुशी नाल अपने मां प्यो दे नाल रह सकदी है। मेनू उम्मीद है कि इन्हां नू भी कोई इतराज नहीं होएगा कि इन्हां दी धी इन्हां दे नाल होली मनाए। समझ नहीं आती, जे दिया दे मां प्यो नू ए सब कुछ पता नहीं सी ता उन्होंने सब दस के परेशान करने दी की लोड़ सी। इंदी मां ने की किया सी, मेरी ती सारे चैलेंज पार कर लेगी। ते जद उन्होंने चैलेंज पार कर लिया ते फिर उन्दी मां नू दसना जरूरी सी ना कि इंदी ती ने की रंग लाए ने, नाले फिर सच सब दे सामने रहे ओही चंगा है ना। असि किन्नी देर सच लुको के रखांगे। यस मॉम, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं चाहना कि सच सब दे सामने आवे ते असली गुनहगार दा पता लगे कि बीजी नू गलत दवाइयां किन्ने दित्तियां सी। पुत्तर तेनू की लगता है कि तू ये सब लग ले किने काम किता है, वो भी अद्धी रात नू? बीजी मैं कोशिश तो कर ही सकता ना, बाकी अगे दिया दा लक। दिया पुत्तर, तेरे पापा तेरे मामी जी ने जो कुछ भी किया है ना तू दिल ते ना लाई। जो भी सोचा सी सब उस तो पुट्ठा ही होया। पहला मम्मी जी मेरे नाल गुस्से हो गए ते मेरी सारी फैमिली नू मेरे इत्थे आन दा सच पता लग गया। जेड़ी गल मैं इन्ने टाइम तो सब तो लुको रही सी वो सब दे सामने आ गई। हुण की होएगा, सर जी रात विच किद्दां प्रूव करनगे कि मैं गलत नहीं हाँ? हे माता रानी प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम नू सॉल्व कर दो, मेरा सारा फ्यूचर इस एक रात पे डिपेंड करता है। बीजी मैं चाहना तुसी मैनू अपनी सारी दवाइयां दिखाओ जेड़ी तुसी रोज लेंदे, ते उस दिन हस्पताल जाने तो पहले केड़ी गलत दवाई लीती सी ओ भी। अरे तेनू की लगता है कि तू कारे च इस तरह इन्वेस्टिगेशन करके ठीक कर रहे? यस डैड, किसी होर लई तां पता नहीं बट मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। चलो बीजी चलिए। जिन्ने साल हो गए चाहे थोड़ी सी चाहे बहुती सी पर कदे इन्नी फिक्की होली नहीं सी साड़ी। मैनू तो दिया दे बारे सोच सोच के सारी रात नींद नहीं आई, पता नहीं हुण की हो। देखो तुसी जिन्ना इस गल बारे सोचोगे ना उन्ना ही ज्यादा परेशान होवोगे, इसलिए मैनू नहीं लगता तुहानू इस बारे ज्यादा सोचना चाहिए। बस उम्मीद रखो कि सब ठीक हो जाए। ज्योति मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर रहा, हो जाता तो तेरी अंगूठी छेती छुड़ा लेंगे। नहीं कोई लोड नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੀਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੰਜੂ ਪਰ ਜਾਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ